नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो टुडे एकेडमी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी समय बहुत अच्छा होता है, सभी काम बनते जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हीं कामों को करने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। लाइफ में कभी टेंशंस बहुत बढ़ जाती हैं, कभी मूड बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ग्रहों के गोचर, ट्रांजिट्स और दशा अंतर दशा के अनुसार ऐसा होता रहता है। तो आइए जानते हैं कि ग्रहों का गोचर इस महीने आपके लिए कैसा फल लेकर आ रहा है। यह राशिफल चंद्रमा से गोचर आधारित सामान्य राशिफल है। इसके साथ आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का बल, शुभता अशुभता और दशा अंतरदशा भी बहुत मायने रखती है। इसलिए यदि आप अपना सटीक राशिफल जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मीन राशि की बात करें तो सितंबर मंथ में ग्रहों का गोचर कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आपको करियर में ग्रोथ के लिए कई नए अवसर हासिल होंगे, तरक्की के योग बनेंगे, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आप ही की राशि से गोचर करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। तृतीय भाव में बैठे मंगल भी अपनी आठवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, जिससे भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन वर्क प्लेस पर आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता भी आ सकती है। मीन राशि के बिजनेसमैन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप कम मेहनत के बाद भी अधिक शुभ परिणाम हासिल कर पाएंगे। राहु की स्थिति आपके धन भाव पर होने से पैसों की वेस्टेज या खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप किसी लग्जूरियस आइटम पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि भविष्य में वो चीज आपके लिए उतनी यूजफुल ना रहे। इस महीने आपका जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी में डाल सकता है। सेकेंड हाउस धन भाव और कुटुंब भाव भी है। ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप परिवार के ऊपर अपनी जिम्मेवारियां निभाने में भी जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दें, जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। जब तक राहु की स्थिति आपके सेकेंड हाउस में रहेगी, आपको अपने खर्चे पर काबू रखना चाहिए और जहां तक संभव हो केवल बजट के अनुसार ही खर्चा करें। सिक्स्थ हाउस में सूर्य और शुक्र की युति आपकी सेहत में सुधार करेगी। मीन राशि के जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे, उनको इस समय राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको छोटी मोटी बीमारियों को लेकर सावधान रहने की जरूरत रहेगी। सेल्फ मेडिकेशन से बचें और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस महीने लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपका अपने साथी से विवाद हो सकता है, किसी गलतफहमी के चलते एक दूसरे पर शक बढ़ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में भी कुछ विवाद की स्थितियां बनेंगी। मंथ एंड में ये स्थितियां सामान्य होने की संभावनाएं बनेगी। जीवन साथी से रिश्तों में सुधार आएगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। राहु का आपके कुटुंब भाव में बैठना परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। किसी बड़े विवाद की आशंका भी बनी रहेगी। ऐसा संभव है कि आपकी छवि परिवार के सदस्यों के सामने खराब हो जाए, इसलिए पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। घर में अशांति के माहौल की वजह से संभव है कि आप घर से बाहर समय व्यतीत करना ज्यादा पसंद करें। इस महीने कोशिश करें परिवार में डिस्कस किए बिना परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें, अदरवाइज सिचुएशंस आपके हाथ से निकल जाएंगी और आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, जिसके लिए आपको अपने डिसीजन पर बाद में जाकर पछतावा हो। सितंबर मंथ में आपका लकी नंबर 7 रहेगा और आपके लिए लकी कलर सैफ्रन रहेगा। आप इस कलर को प्रायोरिटी दे सकते हैं। और यदि आप अपने संपूर्ण जीवन का भविष्यफल जानना चाहते हैं तो आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करें। इसमें आपको अपने जीवन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और लाइफ टाइम क्या उपाय करने चाहिए ये भी बताया गया है। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी का आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर जरूर जाएं। खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें। डेली सुबह शाम घर में ओम मंत्र गूंजता रहे, साथ में जाप भी करें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता समाप्त होगी और घर के वास्तु दोषों से मुक्ति मिलेगी और कुछ ही दिनों में घर पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होगा। ओम मंत्र का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें और मंत्र चलाएं। हर रोज गाय को रोटी जरूर खिलाएं। रात के समय डॉग्स को भी कुछ खाने को दें। पक्षियों को खाने के लिए सप्तनाज डालें।
और पीने के लिए पानी भी रखें। ऐसा करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं। कोई गरीब कुछ मांगने आए तो उसे कुछ खाने के लिए जरूर दें। अपने आसपास ध्यान रखें, कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर करें। आप ये सब कीजिए और अपनी जिंदगी पर सकारात्मक परिवर्तन महसूस कीजिए। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।